हमारे लिसनर्स ये जानना चाहेंगे कि ये क्यों किया जाता है और इसका पर्पस क्या है, गवर्नमेंट इससे क्या करना चाहती है और क्या मैसेज देती है। डॉक्टर साहब, इसमें खेती करवाने का पर्पस तो ये है कि ये जो ड्रग्स तो हैं, नारकोटिक ड्रग्स हैं, अडिक्टिंग हैं, जी हैबिट फॉर्मिंग जिसको हम कहते हैं, लेकिन इसके अलावा ये बहुत अच्छी दवाइयाँ भी हैं। जी मेडिसिन्स हाँ, हैं ये जी, बहुत अच्छी मेडिसन्स भी हैं। राइट हम ये कहते हैं कि जैसे ओपीएम में से एक अल्कोलाइड निकलता है, इसको कहते हैं मॉर्फिन, जी, और वो एवरेज 10% के करीब ओपीएम में होता है। ठीक है जी। तो वो मॉर्फिन जैसी कोई पेन किलर अभी तक हम नहीं बना पाए, अच्छा, हालांकि हम जो सिंथेसिस में जो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर लिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े मार्वलस प्रोडक्ट हमने बना लिए हैं, जी लेकिन मॉर्फिन के मुकाबले का पेन किलर हम अभी तक नहीं बना पाए। और जब कोई अनजाइनल पेन होती है, हार्ट की पेन होती है, तो उसमें मॉर्फिया का इंजेक्शन दिया जाता है, जो विच इज मॉर्फिन सल्फेट। राइट और ये मॉर्फिन हम निकालते हैं ओपीएम से। जी ओपीएम एक इसका सबसे चीप और बेस्ट सोर्स है जिसमें से मॉर्फिन निकलती जी है। और इसके अलावा इसमें से कोडीन निकलती है जो कफ सिरप में डलती है। आमतौर पे कई बच्चे इसका मिसयूज करते हैं, कफ सिरप का, जी जिसमें कोडीन फॉस्फेट होती है। जी और ये कोडीन जो है ये हम प्रोक्योर करते हैं ओपीएम से। और राइट इसके अलावा भी कुछ और अल्कोलाइड्स हैं जो ओपीएम में से निकलते हैं और जिनकी बहुत बढ़िया दवाइयां बनती हैं, उस पर्पस के लिए हम इसको ग्रो करते तो हैं। क्या ये चोरी होता है या स्मगलिंग के लिए कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती हैं ये प्रोडक्ट्स और आसपास की स्टेट्स तक चले जाते हैं? इसमें डॉक्टर साहब ऐसा है, जो हमारी ये कल्टीवेशन होती है, कल्टीवेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम क्वालिफाइंग यील्ड होती है, जी मिनिमम क्वालिफाइंग यील्ड लगभग 40 किलो पर हेक्टेयर के करीब गवर्नमेंट निर्धारित करती है। थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है, हर साल डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर, ये अबाउट मोर देन 60 kg पर हेक्टेयर प्रोड्यूस हो जाती है। ओके तो वो जो 20 kg पर हेक्टेयर जो बचती है, जी, उसको लोग ये सोचते हैं कि हम मार्केट में बेच करके इसको ज्यादा पैसे कमा ज्यादा लें, पैसा कमा तो लें वो जी, लोग इसको स्मगल कर देते हैं। हालांकि गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, ज्यादा अगर प्रोडक्शन MKOI से ज्यादा हो जाए, उसके पैसे भी डबल देती है गवर्नमेंट फार्मर्स को, लेकिन फिर भी वो मार्केट में, ब्लैक मार्केट में इसको बेच करके ज्यादा पैसा इससे कमाना चाहते हैं। तो ओपीएम एज इट इज स्मगल हो जाती है, या ओपीएम में एक केमिकल डलता है, उस केमिकल डाल करके इसको क्रूड हेरोइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके, और वो क्रूड हेरोइन फिर ओपीएम से कहीं ज्यादा रेट कॉस्ट पर पे बिक बिक जाती जाती है, है, राइट और उसको स्मगल करके जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे बॉम्बे है या दिल्ली है, यहाँ ये लोग भेज देते हैं, यहाँ जी, यहाँ के लोग खरीद लेते हैं, और वो परचून में फिर बिकती है, यूथ को अवेलेबल हो जाती है, ये बाहर भी जाती है दूसरे कंट्रीज में, राइट और यहाँ का यूथ भी इसको जो है कंज्यूम करता है। इसके अलावा जो इलीगल कल्टीवेशन से भी हमारे यहाँ कंट्री में ये ड्रग्स मिलती हैं यूथ को, राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे ईस्ट में कुछ कंट्री हैं और ओके कुछ वेस्ट में कंट्रीज हैं। जी, बिल्कुल जो ईस्ट में कंट्रीज हैं उनको हम गोल्डन ट्राइंगल के ट्रायंगल नाम के से नाम जानते से हैं, जी, और जो वेस्ट में हैं दे आर नोन एज गोल्डन क्रेसेंट। क्रिसेंट, राइट और जो ईस्ट के हमारे 3 कंट्रीज हैं जो जिनको हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, वो जैसे लाओस, म्यांमार कंबोडिया और से, एक ये थाईलैंड, ओके ये तीन थाईलैंड कंट्री हैं। जी, यहाँ पर बहुत सारी इलिसिट प्रोडक्शन होती है, ओपीएम की भी होती है, कैनाबिस की भी होती है, राइट और इनसे जो नशे तैयार होते हैं वो दे कम्स टू आवर कंट्री थ्रू दिस पोरस बॉर्डर, राइट यहाँ आ जाते हैं। ये एक ट्रांजिट पॉइंट भी है। ट्रांजिट ट्रांजिट मीन्स के यहाँ से ये चीजें आगे यूरोपियन कंट्रीज में भी जाती हैं, और जी, यहाँ का यूथ भी इनको कंज्यूम करता है। इसी तो तरह हमारे जो वेस्टर्न ईस्ट बॉर्डर का है, वेस्टर्न बॉर्डर से भी ये जैसे 3 कंट्रीज वहाँ हम बताते हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, ईरान और अफगानिस्तान अफगानिस्तान है, जी, इन कंट्रीज में ये प्रोडक्शन। अफगानिस्तान में तो खेती लोग ओपीएम ओपीएम की की करते हैं करते और हैं इसी जी, पे आई डिपेंड करते हैं, थिंक तालिबान और ये टर्बल्स वाले तालिबान लोगों का तो ये काफी पेशा है। पेशा है तो इस तरह से ये वो लोग ड्रग प्रोड्यूस करते हैं लीगल तौर पे, इलीगल तौर पे। ये राइट इसमें से कुछ कंट्री लीगल तौर पे भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पाकिस्तान लीगल तौर पे, ईरान लीगल तौर पे भी प्रोडक्शन करता है ओके ओपीएम की, जी, लेकिन इसके अलावा इलीगल कल्टीवेशन भी बहुत होती है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान है प्रोवेंस में वहां पर जी, होती है, और वहां की जो प्रोडक्शन है वो जो मार्केट में आती है उसमें से कुछ जो हेरोइन में तब्दील कर देते हैं लोग, घरों में भी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, इलिसिट जी लेबोरेटरीज हैं, जी तो वो कन्वर्शन के बाद इट कम्स टू आवर कंट्री
थ्रू आवर पोरस बॉर्डर राइट, जम्मू कश्मीर में मोस्टली हम सोचते हैं कि वहां से ज्यादा लीकेज होती है राइट, और ये ड्रग जो है यूथ के पास आती हैं, यूथ को भी मिलती हैं यहाँ, और यहाँ जो स्मगलर हैं इसको एज ए ट्रांजिट पॉइंट यूज करके इंडिया को फॉरेन कंट्रीज में भी भेजते हैं इन ड्रग्स को। डॉक्टर साहब आपका इतना तजुर्बा रहा साइंस के लेबोरेटरीज में काम करने का, आप डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थे, फॉरेंसिक साइंसेज के इश्यूज को हैंडल करते थे, आपके पास ड्रग्स से रिलेटेड केसेस भी आते होंगे, सैंपल्स आते होंगे, तो आप उनको कैसे इन्वेस्टिगेट करते थे? डॉक्टर साहब केसेस तो जो नारकोटिक्स के आते रहे वो ओपीएम के केसेस बहुत आते थे जी। मैं पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इस डिवीजन को हेड करता रहा जो नारकोटिक डिवीजन थी हमारी जी। और उस हमारी नारकोटिक डिवीजन में बहुत सारे केसेस आते थे नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के, ओपीएम के केसेस बहुत आते थे और उसके अलावा जो है ये चूरा पोस्ट के केसेस बहुत आते थे जी। उसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स हैं जैसे हेरोइन है, हेरोइन के केसेस आते थे, बहुत सारे इंजेक्शन आते थे जैसे मॉर्फिन सल्फेट के इंजेक्शन आ गए या कुछ सिंथेटिक ड्रग्स हैं जैसे बारबिट्यूरेट्स हैं, डेक्सोप्रोपॉक्सीफिन है, डायजापाम के इंजेक्शन हैं, नाइट्राजापाम है, फेनोटिल की गोलियां हैं, तो ये सभी तरह के जी। जो है इसमें जो ड्रग्स हैं या जो सिंथेटिक जिसको हम साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कहते हैं या नारकोटिक्स कहते हैं, तो सारी तरह के ये केसेस हमारे पास आते थे एग्जामिन करने के लिए। कोई खास आपको कोई इंसिडेंट या कोई स्पेशल कोई आपको किस्सा याद हो जब कोई ज्यादा क्वांटिटी बरामद की गई हो या आप तक पहुंची हो? ज्यादा क्वांटिटी तो डॉक्टर साहब ऐसा है, एक दफा एक केस हमने देखा था उसमें एक ट्रक पकड़ा था पंजाब पुलिस ने जी। और वो सारा ट्रक बुकी का भरा हुआ था जिसको चूरा पोस्ट कहते हैं सार, और उसमें क्या है कि जब ज्यादा क्वांटिटी में ये कैच मिल जाता है ड्रग्स का तो इसमें गवर्नमेंट रिवार्ड भी करती है और वो रिवार्ड करती है उसकी परसेंटेज कैसी है ड्रग की जी, ड्रग की परसेंटेज क्वालिटी कैसी है उसके मुताबिक। तो जब क्वांटिटी ज्यादा सीज कर लेती है पुलिस तो पुलिस भी कोशिश करती है उसमें कि उसको बताया जाए जी, मिनिस्ट्री को बताया जाए ताकि उनको रिवार्ड मिले, तो उस केस में उन लोगों ने कोशिश की थी राइट। तो हम पुलिस की बात कर रहे हैं, यहाँ से कानून का भी विषय उठता है कि जो लोग इलीगली कल्टीवेट कर रहे हैं ड्रग्स को, जो लोग इसको कुरियर कर रहे हैं और जो लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं, इन सभी विषयों पे कानून क्या कहता है? डॉक्टर साहब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी गवर्नमेंट ने एक 19 इससे पहले भी शुरू से ही गवर्नमेंट तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ओपीएम एक्ट होता था पहले 1985 से या और कई प्रोविजंस होती थी लॉ में कि जो इनको जो है इनकी प्रोडक्शन को रोके ड्रग्स की या इनकी कंजम्पशन को रोके या इनकी पोजेशन को रोके, ये सब चलता था लेकिन उसमें इतनी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट नहीं थी। लेकिन 1985 के बाद जब ये नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का एक एक्ट बना है तो तब से इसमें पनिशमेंट अच्छी हो गई। जैसे इसमें शुरुआती तौर पे इन्होंने रखा था कि कोई आदमी अगर जिसके ये क्राइम प्रूव हो जाता है जो ड्रग्स को लेकर के जा रहा है या खा रहा है जिसे पकड़ी जाती है ये, तो उसे 10 साल की कैद और 1,00,000 रुपए जुर्माना होगा जी। लेकिन उसमें क्या था कि किसी आदमी ने, क्योंकि बहुत पुराने समय से ओपीएम की एडिक्शन है लोगों को, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी भी है और वो प्रूव हो जाती है, जैसे 2 ग्राम प्रूव हो गई तो उसको 10 साल की कैद करना शायद ये जस्टिफाइड नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 2002 में एक अमेंडमेंट की है उस एक्ट में और 2002 में इन्होंने एक उसमें रखी है प्रोविजन के स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी, ये करके सभी ड्रग्स की क्वांटिटी जो रिकवर होती है उसको 2 कैटेगरीज में बांट दिया। तो उसमें कमर्शियल क्वांटिटी में इन्होंने कहा कि एक क्वांटिटी फिक्स कर दी है ओपीएम की, जैसे क्वांटिटी फिक्स कर दी कि इस क्वांटिटी से अभाव अगर रिकवर होगी किसी के पास से तो उसको हम कमर्शियल क्वांटिटी मानेंगे और इससे नीचे जो होगी दैट विल बी ए पर्सनल यूजेस के लिए, दैट विल बी ए स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी में पनिशमेंट अब कम है, बहुत कम है, वो ऑफेंस उतना बड़ा नहीं माना जाता लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी में वही पनिशमेंट है कि 10 साल की कैद और 1,00,000 रुपए जुर्माना और अगर आदमी रिपीट करता है उस क्राइम को वो सजा डबल हो जाती है कि 2,00,000 रुपए तक जुर्माना और 20 साल की कैद। और इसमें प्रोविजन ये भी रखने की बात हो रही है कि इसमें डेथ पेनल्टी भी हो जाए जो थर्ड टाइम किसको कर रहा है, तो उसका अभी जो है प्रोविजन तो है लेकिन वो अभी जो है ज्यादा ऐसे केसेस नहीं आए जो थर्ड टाइम उसको यूज करे।
तो इस तरह से बात है। बाकी लॉ में एक और प्रोविजन है कि ओपीएम को ओपीएम कहने के लिए हमें उसमें मॉर्फिन की परसेंटेज बतानी पड़ती है, और जो परसेंटेज मॉर्फिन की है वो कम से कम 0.2% होनी चाहिए जी। अगर उससे कम है, मान लीजिए 0.1% है, तो वो ओपीएम नहीं है। चाहे वो परसेंटेज तो डॉक्टर साहब इसमें ज्यादा होती ही है, 0.2% तो बहुत कम इन्होंने इसमें रखा हुआ है लिमिट, लेकिन क्योंकि एडल्ट्रेशन खूब करते हैं लोग इसमें, एडल्ट्रेशन से उसको जैसे इसमें पुराना गुड़ मिला देते हैं, बॉर्न बीटा मिक्स कर दिया जाता है, उसकी वजह से उसकी परसेंटेज कम हो जाती है जो है मॉर्फिन की। तो मॉर्फिन की परसेंटेज पे आधारित है कि ये ओपीएम है या नहीं जी। अगर वो 0.2% से कम है उसकी मॉर्फिन की परसेंटेज उसमें, तो वी डोंट डिक्लेयर इट एज ओपीएम। डॉक्टर साहब, इम्पैक्ट पे भी मैं जानना चाहूँगा कि जो नशे की आदत है, इस आदत से जो आज का युवा है उस पे कितना इसका प्रभाव पड़ रहा है, उसके परिवार पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, उसकी अपनी हेल्थ पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, या ब्रॉडर इशू अगर हम लें तो सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? डॉक्टर साहब, ड्रग्स का इम्पैक्ट सोसाइटी पे तो बहुत बड़ा है, पर्सनल इफेक्ट्स भी हैं जो उसके हेल्थ पे पड़ता है, और उसके अलावा जो है ये सोसाइटी पर भी इसके इफेक्ट पड़ते हैं। मेनली तो बात ऐसा है कि ये जो ड्रग्स की जब किसी को एडिक्शन हो जाती है तो देन ही कैन नॉट लिव विदाउट दी ड्रग्स, ड्रग्स के बिना रहना मुश्किल हो जाता है उनको, जब तक डी एडिक्ट ना किया जाए उनको। और जब ड्रग के बिना रहना मुश्किल हो जाए तो आदमी कहीं कुछ भी करता है, कहीं भी सोसाइटी में, चाहे उसको चोरी भी करनी पड़े जी। जब उसके अपने रिसोर्सेज उसको प्रोक्योर करने के खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है कि घर की चीजें बेचनी शुरू कर देता है, घर वाले भी दुखी हो जाते हैं किसी इंडिविजुअल से, वो कहते हैं कि ये तो चीजें उठा करके बेच देता है, क्योंकि उसको ड्रग लेनी होती है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। तो धीरे धीरे वो घर की चीजें भी खत्म हो जाती हैं या उस पर चेक लग जाता है घर का, फिर वो आदमी क्राइम में इंडल्ज हो जाता है। और वायलेंट क्राइम तो एक ड्रग एडिक्ट बहुत कम करता है, लेकिन जो नॉन वायलेंट क्राइम्स होते हैं जैसे फोर्जरी या प्रेस्क्रिप्शन या उसके बाद पेडलिंग ऑफ ड्रग्स या कोई दूसरी छोटी मोटी स्नैचिंग वगैरह कर लिया या छोटी सी चोरी कर ली, इस तरह के क्राइम वो आदमी करने लग जाता है, सोसाइटी के लिए बड़ा खतरा पैदा करता है वो आदमी, तो सोसाइटी के लिए, अपने लिए तो उसने जो है, हाँ अपने लिए तो वो खतरनाक है ही, लेकिन सोसाइटी के लिए भी खतरनाक हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे लिसनर्स भी जानना चाहेंगे कि आप कुछ सुझाव दीजिए कि किस तरह से नशों की रोकथाम की जा सकती है हमारे समाज में। नशों की रोकथाम करने के लिए डॉक्टर साहब, जो गवर्नमेंट लेवल पे तो गवर्नमेंट कर भी रही है कि एक तो बच्चों के पास काम होना चाहिए, यूथ के पास अगर काम उनको मिलता रहेगा, काम में उनको व्यस्त करके रखेंगे तो इस तरफ ध्यान नहीं जाता। कहते हैं कि आदमी जो बेरोजगार होता है तो वो इधर उधर के उसका जो फ्री माइंड है वो कहीं इधर उधर भटकता है, तो फ्री माइंड में किसी कंपनी में जाएगा, कंपनी में कोई उसको एडिक्ट मिल जाएगा तो उससे उस आदत को वो सीख लेगा, और ये आदत पड़ती बहुत आसानी से है, इसको 2-3 दफा वो ट्राई करेगा, एज ए प्लेयर ट्राई करेगा, लेकिन उसके बाद उसको एडिक्शन लग जाएगी। और एक सबसे बड़ी बुरी बात इसमें है कि इसकी टॉलरेंस है डॉक्टर साहब, टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि ड्रग की आज मैं अगर एक छोटी सी गोली अफीम की खा रहा हूँ तो वो छोटी सी गोली कुछ समय के बाद मेरे ऊपर असर करना बंद कर देती है, मुझे उसमें थोड़ी सी और क्वांटिटी बढ़ा करके खानी पड़ती है, बढ़ाते बढ़ाते मैं कब तक बढ़ाता चला जाऊंगा, उसकी कॉस्ट भी है और वो प्रोक्योर करनी भी मुश्किल है। तो उसमें जो है वो जो जिसको हम टॉलरेंस कहते हैं, तो टॉलरेंस की वजह से ये और भी खतरनाक हो जाती है एडिक्शन, और जो हम इसको कंट्रोल अगर करना चाहते हैं तो सबसे यही इसका एक सोल्यूशन है कि हम अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट दें, उनको अच्छी एक शिक्षा दें, और एक जो जैसे कम्युनिटी रिलेशन बनाए गवर्नमेंट, कम्युनिटी में बार बार लोगों को एक कैंप लगाए जाएं और उनमें ये एडवर्टाइज की जाए, इसकी बुराइयों के बारे में बताया जाए, तो यही काम गवर्नमेंट कर सकती है। मुझे लगता है कि 91.2 ज्योतिर्गमया जो है इस तरह के प्रोग्राम्स की मदद से भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर राणा जी, अंत में हम जरूर चाहेंगे कि आप आज के युवा वर्ग को कोई संदेश दें। द यूथ शुड से नो टू ड्रग्स, ये मेरा सबसे बड़ा संदेश है। इसके लिए ये एक ट्राई करने की बात है, कोशिश करने की बात है
कि अगर कोशिश करेंगे कि हमने ड्रग नहीं लेना, हम इस तरह की कंपनी के पास भी नहीं जाएंगे और अपने काम से काम रखेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तो इसको हम छोड़ पाएंगे। जी, तो डॉक्टर राणा का यही संदेश है आज के युवा वर्ग के लिए, से नो टू ड्रग्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर एल एस राणा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे युवा वर्ग के लिए बहुत सारी चीज़ें शेयर की और जिसकी मदद से वो शायद नशों की आदत पे रोकथाम लगा पाएंगे।